बहरहाल हमारे सरपरस्तों की जिम्मेदारी अपने नौजवानों को बड़ी कम उम्रों से सेंसिबल बनाएं। मैं कभी कभार नौजवानों को कॉलेज में देखता हूँ, हैरत भी करता हूँ, अफसोस भी करता हूँ, परेशानी भी होती है, लेकिन इसका कोई हल नजर नहीं आता है कि नौजवान है हमारे, कम अज कम कॉलेज में होंगे तो 15 साल से तो ऊपर ही होंगे ना, 10वीं के बाद का नौजवान जाता है कॉलेज में, लेकिन ऐसी हरकतें करते हैं ऐसा लगता है छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ये उसको भाग के पकड़ रहा, वो उसको भाग के पकड़ रहा, कोई सेंस नहीं, सेंसलेस बिल्कुल बिल्कुल। उनको देख कर को भी समझ जाएगा कि इस आने वाली नस्ल का, इस आने वाली कौम का मुस्तकबिल क्या है, उसको ज्यादा देर नहीं लगती। कोई दानिश्वर, अल्लामा, फहामा, मुफ्ती नहीं बनना पड़ता। किसी कौम का अगर आपको कल देखना है तो आज उसका नौजवान देख लो तो उसका कल आपको पता चल जाता है, जिसके लिए बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल होना नहीं पड़ता है। कोई भी जंगली जाहिल भी गांव का आदमी आएगा, किसी मजहब का होगा, वो देखकर बोलेगा यार ये कौम का तो कोई पुरसानी हाल नहीं है, ये कौम का मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आता। तो कम उम्र की जो नादानियां होती है वो ना हो, तो बच्चों को वैसा हमको बनाना पड़ेगा, नौजवानों को अपने आप को उस लेवल पर ले जाना पड़ेगा जो हमारे पास, जिसको छिचोरेपन को आपने ये समझ लिया कि ये जीने का तरीका है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ एकदम सादा लफ्ज, सब समझते हैं इस लफ्ज को, उसको आप जिंदगी जीने का नौजवान तरीका समझ रहे। बी सेंसेबल, बहुत हसास हो जाओ अपनी जिंदगी में, अपनी उम्र का बहुत सही फायदा उठाना सीख लो, हर घड़ी हर पल जो है ना उसका फायदा उठाओ, इसलिए कि तुम वो होते हो, तुम्हारी सलाहियतें वो है, इंशाल्लाह जिसमें आगे उससे बात करूंगा, वो हो कि तुमको वक्त भी अल्लाह ने ज्यादा दिया, तुमको कमाई के भी जिम्मेदारियां नहीं है, तो अपने खाली वक्त का सही फायदा उठाओ नौजवानों। तो बहरहाल अल्लाह रहम करे हमारे पास तो वो जो है कम उम्र की नादानियों में जिंदगी गुजर रही, बाप परेशान, कमा कमा के थक गया, बच्चे की शादी कर दिया तब भी परेशान, शादी नहीं किया था तब भी परेशान, और वो बच्चा बेचारा अपने छुचोरेपन में जिंदगी गुजार के बाप के सामने चला गया, उसके बाद उसके बच्चे जोड़ रहे कि क्या बाप मिला हमको, ऐसा कोई सेंस मतलब जिसको आप देख कर बता सकते हैं कि यार वाकई में इनमें कुछ नहीं, खत्म हो चुका है, रखिए मुकम्मल तौर से कौम बर्बादी की तरफ जा रही। आइए अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने, रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दिए सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।